हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी अच्छे तरीके से आप लोग का तैयारी भी चल रहा होगा, ठीक है। तो उस तैयारी को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय एक, कक्षा 9वीं गणित की अध्याय एक प्रश्नवली 1.3, जिसमें हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, उधर व तिर्यक ध्यान विधि। ये विधि आपको इससे पहले नहीं भी आया होगा ना, तो गारंटी कि इस वीडियो के बाद से आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं दो दो अंक वाला और तीन दो दो अंक वाला और तीन तीन अंक वाला दोनों क्वेश्चंस जो है आपको करके दिखाऊंगा बहुत आसान तरीका में, जिससे आप लोग सीख ही जाओगे। और वैसे भी गणित में मैं काम सिखाऊंगा, पूरे 9th क्लास में आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं, हल इस तरीके से करना है हम लोग को। ठक, अब इसको गुणा तो करना है, लेकिन कौन सी विधि से, उधार व तिर्यक ध्यान विधि। तो वो विधि क्या होती है, देखो लिखने का तरीका, पहले डबल वाला में ऐसे काम करना पड़ता है, ये कर लिए, इसमें नंबर भरना सीख गए, तो समझो आपका खेल कंप्लीट है। आधा यहां से देखो करना क्या, जैसे कि 23 है तो यहां पर 23 लिखेंगे, यहां पर 32 है तो यहां पर 32, इस तरीके से आया ना समझ। 23 है इसलिए 2 और 3, 32 है इसलिए 3 और 2 लिख लिए। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर सेम टू सेम 3, उसी तरह यहां पर 3 और इसके सेम टू सेम यहां पर 2 लिखेंगे। क्लियर, इतना लिख लेना है आप लोग को। दो दो वाला जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी दो रहे, आपको इसी विधि से बनाना है। ये तो पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखो इसका इसके साथ गुणा, 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखो इस 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 3 9, अब प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें 2 ठो है ना, सब जुड़ेगा, 2 2 4, फिर ये आपको एक दीवार बना देना है। अब 2 3 6, इस तरीके से करना है। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में जो जुड़ता है उसको जोड़ दो, जैसे कि 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, और ये 6। अब बात कर लेते आंसर की, तो आंसर इस तरीके से होगा, पीछे से उतारते जाएंगे, 6 13 की 3 हासिल आ जाएगा, 1 6 और 1 7, तो ये हो जाएगी इसकी आंसर। क्लियर है, फिर से देख लो, 6 की 6 13 की 3, अब हासिल 1 जाएगा इसमें, है ना, तो 6 और 1 7 हुआ। इसको देखो उसी वे से क्या हो जाएगा, पहले कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे और फिर ये, है ना, इतना तो आ गया होगा आप लोग को। अब देखो नंबरिंग, डबल 4 है इसलिए 4 4, 5 2 है तो 5 और 2 कर लेंगे। क्लियर यहां तक आप लोग को। अब यह 4 का 4, यहां पर 5 का 5, यहां भी 4 का 4 और यहां 2 का 2, अब गुणा कर दो, 5 चौक 20 दीवाल, फिर 5 चौक 20 प्लस 2 और 4 का गुणा होगा तो 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8। क्लियर, अब यह इसकी बात देखो, 20 प्लस, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 8 28, और ये 8। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, आंसर लिखते हैं, 8 की 8 यहाँ आपका 8 28 की 8 होगा, हाँसी रहेगा 2, वो 2 इसमें आएगा तो 20 और 2 22, तो लास्ट है तो पूरी तरीके से लिखेंगे, ये हो गई इसकी आंसर। देखो कितनी आसान है ना, इतना आसान कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इसको। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं आशा कर दूँगा आप लोग को समझ आ गया होगा कि इतना आसान तरीका है, कितने मज़ेदार तरीके से गुणा करना सीख रहे हैं ना। अब देख लेते तीन तीन जो आएगा उसको कैसे गुणा करेंगे, है ना, देख लेते। इसका भी ट्रिक सेम रहेगा भाई, इसमें उसी तरह लाइन, तो पहले ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, फिर डबल फिर सिंगल, उसी तरीके से इस साइड भी होगा हम लोग का, डबल सिंगल आ गया ना, पहले 3 वाला करेंगे। अब देखो इसको भरना कैसे है, याद रख लेना ना इसी तरीके से। अब ये 1 2 3 है तो 1 2 3, और इसमें 2 3 1 है तो 2 3 1, क्लियर। अब इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें वही भरेंगे ना भाई, देख लो इसमें कैसे, इन दोनों को दो, जैसे कि उस वाले में हम लोग ऐसे था तो यहाँ जो भरते थे तो यहाँ का यहाँ लिखते थे, और यहाँ जो रहता तो उसको यहाँ लिखते थे, वैसे ही अब ये 2 वाला है तो इन दोनों को यहाँ लिख देंगे, 1 और 2 को कॉपी मार दो यहाँ, उसी तरह 2 3 को, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों को लेंगे, 2 3 3 1, अब लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में जो है वही आएगा, 1 2, इसके लास्ट में क्या है, 3 1, क्लियर। इसको सीख गए तो फिर समझो पूरी तरीके से खेल समझ गए, ठीक है। एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आप लोग को अच्छे से समझना है। अब गुणा करो फिर से वही काम, 2 1 कम 2, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 2 4 प्लस 3 1 कम 3, दीवाल बना दो। फिर से इसका देखो, इसका कैसे होगा, जैसे है वैसे ही गुणा करो सबका, सीधे सीधे, है ना, जोड़ना बस तो है हम लोग को,
देखो इसका इसके साथ होगा तो दो तिया छः, अब इसका ऊपर वाले के साथ सीधे के साथ होगा ना तो तीन दूनी छः, फिर एक और एक का होगा तो एक एक कम एक, फिर दीवार हुआ। अब इसकी बारी, अब तीन तिया नौ प्लस और एक का करेंगे दो से तो एक दूनी दो और एक तिया तीन। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब सभी को लिख देंगे, जो जुड़ता है उसको जोड़ते जाओ फटाफट। चार तीन सात, इसको जोड़ेंगे छः छः बारह एक तेरह, नौ दो ग्यारह हो जाएगा और ये तीन का तीन। अब लास्ट में आंसर लिखने की बारी आती है तो पीछे से लिखते आएंगे, तीन ग्यारह की एक हासिल आएगा एक यहाँ पर, तो तेरह और एक चौदह, चौदह की चार हासिल आया, फिर एक इसमें गया सात और एक आठ और ये दो की दो, ये हो जाएगी आंसर। आप लोग इसको बनाकर देख लेंगे ताकि मैं बनाऊंगा तब आप लोग मैच करके देख लेना फिर। ठीक, तो इसमें भी सेम करेंगे, पहले तीन वाला हुआ फिर डबल सिंगल, डबल सिंगल, इसको फिलअप करना सीख गया मतलब समझो पूरा खेल हो गया। क्या लिखेंगे इस तीनों को लिखेंगे कि बीच में फोर वन फोर, इसमें थ्री टू, नहीं क्या है टू थ्री टू। क्लियर यहां तक आप लोग को? अब इसमें क्या भरेंगे, इन दोनों को उठा के ले आओ फोर वन को, इन दोनों को उठा के ले आओ दो तीन को, अब लास्ट में फोर का फोर और इस टू का टू। सिमिलरली इसमें भी इन दोनों को ले जाएंगे तो वन फोर थ्री टू और लास्ट का लास्ट में फोर का फोर, ये टू है तो टू यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका गुणा कर दो, है ना, सबका ऊपर में गुणा होगा इस तरीके से, एरो कर लेंगे भाई। ठीक है, तो दो का चार के साथ होगा तो दो चौक आठ, फिर इस दो का दो एक कम दो प्लस तीन चौक बारह, उसी तरह दो चौक आठ प्लस तीन एक कम तीन और दो, इस दो का करेंगे तो आठ होगा। क्लियर, इसी तरह तीन चौक बारह प्लस दो एक कम दो और दो चौक आठ। क्लियर, जो जुड़ता है उसको जोड़ते चलो, बारह दो चौदह और इनको जोड़ेंगे तो आठ आठ सोलह सत्रह अठारह आठ आठ सोलह होगा, सोलह और तीन हो जाएगा उन्नीस और बारह और दो हो जाएगा चौदह और ये आठ। क्लियर, अब यहां से बारी आती है आंसर लिखने का तो पीछे से लिखते आते हैं, आठ चौदह की चार हासिल जाएगा एक तो उन्नीस और एक बीस, बीस की जीरो हासिल रहेगा दो, वो दो इसके साथ लगेगा तो चौदह और दो सोलह हो जाएगा, सोलह की छह हासिल है एक मतलब नौ, ये हो जाएगी इसके आंसर। तो है ना कमाल की चीज, आप लोग देखो कितनी आसान तरीके से सीख गए। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को आया होगा समझ, और तो इसीलिए वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप क्लास टेंथ के बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्लास नाइन्थ के बच्चों तक पहुँचाए ताकि आप लोगों के जैसे भी इन लोगों को भी यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके आपकी अपना इस एकलव्य आरपीएस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।